Thank you everybody that is praying in this house and making this house a house of prayer. मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए इस घर को प्रार्थना का घर बनाया गया है. It's so important that you make God's house a house of prayer. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको परमेश्वर के घर को प्रार्थना का घर बनाना है. Jesus looked at the people and said that if you do not pray, then you are a thief. यीशु ने लोगों को देखकर कहा कि अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आप एक चोर के समान हो. If you do not pray in the house of God, that's what you make His house. अगर आप परमेश्वर के घर में प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आप उसके घर को ऐसे बना देते हो. Jesus looked at the people that were gathering in the house of God and said that my house shall be called a house of prayer. यीशु ने लोगों को देखकर कहा जो परमेश्वर के घर में इकट्ठा हो रहे थे कि जो मेरा घराना है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा. And Jesus also said that you have made it a den of thieves. और यीशु ने इसे भी कहा कि आपने इसको चोरों का जो डेन है वो बना दिया है. The one that does not pray in the house of God automatically becomes a thief. जो भी व्यक्ति जो प्रार्थना जो परमेश्वर के घर में प्रार्थना नहीं करता वो अपने आप एक चोर बन जाता है. And the one that does not give to God what belongs to God is called a robber in God's kingdom. और जो परमेश्वर के का जो है वो उसको नहीं देता है तो वो भी एक चोर, उसको भी चोर कहा जाता है. I'm going to ask you a question and I don't think anybody will dare to lift up your hand. मैं आप सबको एक प्रश्न पूछूंगी और मैं नहीं चाहती कोई भी इस अपने हाथ उसको उठाए. How many would like to be called a thief and a robber in this house? आप में से कितने लोग एक चोर के समान बुलाया जाना चाहिए इस घर में? क्या मैं आपके हाथों को देख सकती हूँ? Not me. मैं नहीं. You say not me, God. आप कहिए कि मैं नहीं परमेश्वर. Say it one more time like you mean it. एक और बार आप इसको ऐसे कहे कि आप इसको मीन करते हो. We do not want to be called a thief and a robber. आपको चोर नहीं बुलाना चाहिए. This is a revelation that God gave me in one of the days when I was sitting in the church. ये एक प्रकाशन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है एक दिन जब मैं कलेसिया में बैठी हुई थी. I told the Lord, Lord, I will never be a thief in your sight. मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं तेरे नजरों में कभी एक चोर नहीं बनूंगी. God, I will never want to be in a place where you will call me a robber. परमेश्वर मैं ऐसे कोई भी जगह पर ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहती या बैठना चाहती जहां तू मुझे एक चोर पुकारेगा. And I told the Lord God, I will go to your house to pray. और मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं तेरे घर पर प्रार्थना करने के लिए जाऊंगी. Jesus looked at three of his disciples and said, "Can you not tarry with me and pray for an hour?" यीशु ने अपने तीन चेलों को देखकर कहा कि क्या तुम जागे न रह सके कि आप एक घंटा प्रार्थना कर पाए? But those three people slept off. लेकिन वो तीन जो चेले थे वो सो गए. Their names were Peter, James, and John. उनका नेम था पीटर, जेम्स और जॉन. But after the Lord left this earth, और फिर जब यीशु ने इस पृथ्वी को छोड़ दिए, two of those three, उनमें से दो जन, तीन में से जो दो जन थे, Peter and John, पत्रस और यूहन्ना, decided to go to the house of God. उन्होंने ऐसे निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के घर पर जाएंगे. Nobody told them to go. किसी ने भी उन्हें कहा नहीं कि आप जाइए. The pastor in their church didn't put a paper at the back for sign-ups. उस पासबान ने पीछे कोई पेपर नहीं रखा था कि आप वहां पर आके अपनी साइन कर दीजिए. Oh, they went on their own to the house of God and called it a house or called it at that hour of prayer. और वो अपने आप से परमेश्वर के घर पे गए और उस समय को उन्होंने प्रार्थना का जो समय है वो ठहराया. That is when their ministry started. उसी वक्त उनकी जो सेवकाई थी उसकी शुरुआत हुई. For some of you that are sitting here, your ministry has not started yet. आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आपकी जो सेवकाई है उसकी शुरुआत अब तक नहीं हुई है. Yes, you are in one of the teams. हाँ, आप एक किसी एक टीम के भाग तो हो.
Maybe you are in the serving team or in the hospitality team or the media team or the worship team or the children's ministry team or the even the prayer team. आप कोई सर्विस टीम का भाग हो सकते हो, मीडिया टीम, आराधना की टीम या जो प्रार्थना की टीम है, आप उसमें भाग आप शामिल हो सकते हो. But if you do not pray and have that hour of prayer in your life, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करते और वो एक घंटे का प्रार्थना का समय अगर वो आपके जीवन में नहीं होता है तो then your ministry will not display the power of God. तो जो आपकी जो सेवकाई है वो परमेश्वर के सामर्थ को दर्शा नहीं पाएगी. So I would recommend all of you to put in more time into prayer. तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताना है. You need to pray alone with God. आपको अकेले में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करनी है. And then you need to, if you are married, then you pray with your spouse. अगर आप विवाहित हो तो आपको अपने पत्नी या पति के साथ मिलकर प्रार्थना करनी है. If you are in a church, then pray with your church family. अगर आप कलीसिया में हो तो आपको कलीसिया के परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करनी है. And then you need to pray for your state. और फिर उसके बाद आपको अपने राज्य के लिए प्रार्थना करनी है. And then you need to pray for your country. और फिर उसके बाद आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है. You have to make a plan where you intentionally put those prayer times in your daily calendar. आपको ऐसी योजना बनाना है कि आपके जो दिन का जो कैलेंडर है उसमें आप इन सब विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए समय निकालोगे. Prayer is like the oxygen for your lungs. ये जो प्रार्थना है वो एक ऑक्सीजन के समान है हमारे जीवन के लिए. Somebody asked a preacher, what is more important, is the word of God more important or the prayer? किसी ने एक प्रचारक से ऐसे पूछा कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है, वो परमेश्वर का वचन है कि या वो प्रार्थना है. The preacher answered. उस प्रचारक ने उत्तर दिया. Which is more important to breathe in or to breathe out? ये क्या महत्वपूर्ण है, जो हम सांस अंदर लेते वह महत्वपूर्ण है क्या, जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं वह महत्वपूर्ण है? That was a very profound thing. वो बहुत ही गहराई की बात थी. You need to take in the word of God as much as you can. आपको परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डाल लेना है. आप जितना भर सकते हो उतना भरना है. And then you need to take the word of God and start praying about it. और फिर आपको उस परमेश्वर के वचन को लेना है और उसको प्रार्थना बनाकर उससे प्रार्थना करनी है. Take in as much as word as you can. आप जितना वचन अपने अंदर ले सकते हो उतना आपको अंदर लेना है. And then use that word to talk to God. और फिर आपको उस वचन का इस्तेमाल करना है ताकि आप परमेश्वर से बात कर सके. And then use that word to talk to one another. और उसी वचन को लेकर आपको एक दूसरे से भी बात करनी है. And use that word to declare. और उस वचन का इस्तेमाल करना है घोषणा करने के लिए. That's a beautiful verse in the book of Job. एक सुंदर सा वचन है अय्यूब की किताब में. Turn your Bibles to Job chapter 22. हम अय्यूब उसका 22वां अध्याय में मुड़ेंगे. Job 22 and verse 28. अय्यूब 22वां अध्याय 28वां वचन. You will also declare a thing, and it will be established for you. जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी. So light will shine on your ways. और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा. This is what the Spirit of the Lord is telling you and everyone that is watching us on live stream. यही पवित्र परमेश्वर की आत्मा हमसे कह रही है, आप सबसे और जो भी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं. Who will declare a thing in this verse? कौन घोषणा करेगा इस वचन में? You. आप. It is you who will declare a thing. आप वो हो जो एक ठान लोगे, घोषणा करोगे. When you declare a thing, जब आप घोषणा करते हो, it will be established for you. तो वो आपके लिए स्थापित होगा. Yes, you have prayed enough. हाँ, आपने बहुत प्रार्थना कर ली है. Yes, you have fasted enough.
हाँ आपने बहुत उपवास कर लिया बट यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग लेकिन आपको अब बात करना शुरू करनी यू नीड टू डिक्लेयर एंड डिक्री आपको घोषणा करनी है और घोषणा करनी दिस इज समथिंग दैट यू ऑल हैव टू वर्क ऑन ये ऐसी कुछ बातें हैं जो हम सबको इस पर काम करना है व्हेन यू ड्राइव यू स्पीक दोस वर्ड्स जब आप जब यात्रा कर रहे हो तब आपको इस बातों को बात करना है Your mouth is meant for more than what you are already using it for. आपका जो मुख है वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो उसके लिए वो कम है. Your mouth is not just to eat the batata vada and the vada pav. आपका जो मुंह है वो सिर्फ बटाटा वड़ा या वड़ा पाव खाने के लिए नहीं बना है. Our mouth is not just to talk about the things of this world. हमारा जो मुंह है वो सिर्फ इस दुनिया की बातों को करने के लिए नहीं बनाया गया. Our mouth is meant for greater things. हमारा जो मुंह है वो महान बड़े कामों के लिए बनाया गया. Say my mouth is meant for greater things. कहिए कि जो मेरा मुंह है वो महान कामों के लिए है. Now lift up those hands and pray in the Holy Ghost. और अपने हाथों को उठाए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए. Now declare a thing. और घोषणा कीजिए एक चीज की. Declare a thing in your life right now. और अपने जीवन में एक बात की घोषणा कीजिए. Yes, declare a thing for your family. और अपने परिवार के लिए एक चीज की घोषणा कीजिए. Oh, declare a thing for your at your workplace. और अपने काम के दफ्तर के लिए. Oh, declare a thing for your neighbor right now. और अपने पड़ोसी के लिए चीजों की घोषणा कीजिए. Declare a thing for your city. और एक घोषणा अपने शहर के लिए कीजिए. Declare a thing for President Modi. और एक घोषणा अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए कीजिए. Be saved in Jesus name. कहिए कि तेरा उद्धार हो जाए यीशु मसीह के नाम से. तेरा उद्धार हो जाए यीशु मसीह के नाम से. I declare and decree it in my city. मैं ऐसे घोषणा करता हूँ मेरे शहर में. Peace in my city. मेरे शहर में शांति हो. There is joy in my city. आनंद हो मेरे शहर में. Crime rates are falling down in my city. जो क्राइम है वो नीचे आ रहा है हमारे शहर में. There is peace in my family. मेरे परिवार में शांति आई है. Go ahead and say those things that you want God to do for you. ऐसे चीजों की घोषणा कीजिए जो आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में करे. God has already given it in His word. परमेश्वर ने अपने वचन में ये दिया है. But you need to give voice to that word. लेकिन आपको उसको आवाज देना है उस वचनों को. You need to give voice to that word. आपको उस वचनों को आवाज देना है. You need to be like a dry sponge just receiving the word of God in your heart. आपको एक सूखे स्पंज जैसे होना चाहिए जो पानी को सोख ले. God is looking at you and saying you will declare a thing. परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप क्या घोषणा कर रहे हो. And it will be established. और फिर उसके बाद वो स्थापित होगा. You know why? आपको पता है क्यों? He's the high priest of our confession. क्योंकि वो याजक है जो हम कहते हैं उसका. Jesus is the high priest of your confession. यीशु हमारे घोषणाओं का याजक है. You are a royal priesthood. आप एक royal priesthood और महान याजक हो. Royal and priest. आप रॉयल हो और आप याजक भी हो. King and priest. आप एक राजा हो और एक याजक भी हो. A king has authority. एक राजा के पास अधिकार होता है. So you need to take that authority. तो आपको उस अधिकार को ले लेना है. And you are a priest. और फिर आप याजक भी हो. You are the one that will declare. आप वो हो जो घोषणा करेगा. When you declare a thing, जब आप एक चीज की घोषणा करते हो, it will be established for you. वो आपके लिए स्थापित हो जाएगा. This is the rhema word for you, my friend. ये परमेश्वर का रेमा वचन आपके लिए है. God is saying that you will declare that thing. परमेश्वर कह रहे हैं कि आप उसकी घोषणा करोगे. And it will be established. और वो फिर स्थापित हो जाएगा. It will be established for you. और वो आपके लिए स्थापित हो जाएगा. It will be established for you. वो आपके लिए स्थापित हो जाएगा. Whatever you will say when it's aligned with the word of God, God Almighty will make sure it is established in your life because Jesus is the doer. जो भी आप कहोगे परमेश्वर के वचन के अनुसार तो परमेश्वर इसको देखेगा कि वो आपके जीवन में उस वचन को स्थापित करेगा. Whatever you ask in my name, the Lord said. प्रभु ने ऐसे कहा कि जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, I will do it. वो मैं करूंगा. Whatever you ask in my name, जो कुछ भी आप मेरे नाम से मांगोगे, Jesus said, I will do it. यीशु ने कहा मैं उसे करूंगा. Whatever you will say, जो भी आप कहोगे, when it's aligned with the word of God, जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, when it's aligned to the will of God, तो जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो, God will establish.
establish. परमेश्वर उसे स्थापित करेगा. There are great and mighty things that He is going to establish for. ऐसे महान और ताकतवर चीजें वो आपके द्वारा स्थापित करेगा. We are serving a God for whom nothing is impossible. हम ऐसे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. God is going to bring righteous people in authority. परमेश्वर धार्मिक लोगों को अधिकार में लाएगा. God is going to take away the kings and bring some kings. परमेश्वर कुछ राजाओं को हटाएगा और दूसरे राजाओं को लाएगा. This is a very strategic year all over the world. ये बहुत ही strategic साल है पूरे दुनिया के लिए. Right here in Mumbai, India. यहाँ पर मुंबई भारत में. On the other side of the globe in California. और दुनिया के उस पार भी कैलिफोर्निया में. The kings will either repent or they will get out of our way. वो राजा या तो पश्चाताप करेंगे या तो वो हमारे सामने से निकल जाएंगे. Give the Lord a hand of praise. हम परमेश्वर को ताली बजाकर पश्चाताप करेंगे. Great and mighty is the Lord. Great and mighty is the Lord. Great things He will do for us. परमेश्वर. Oh, great things He will do for us. परमेश्वर महान और शक्तिशाली ऐसे महान कार्य वो हमारे लिए करेगा. It was one Moses that stretched. एक मूसा था जिसने हाथ बढ़ाया. God parted the Red Sea. और परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया. Oh, you are going to walk in that dry ground. आप उस सूखी भूमि में चलने वाले हो. The Pharaoh's army, the chariots and the horses will be drowned forever. जो फिरौन की जो सेना है वो उस पानी में डूबकर मर जाएगी. जो जो घोड़े हैं चैरियट. God knows the ways of the righteous. परमेश्वर धर्मियों के रास्ते को जानता है. Way of the wicked shall perish. और जो दुष्ट के जो रास्ते हैं वो उसका नाश होगा. Days are coming, the ways of the wicked will perish. ऐसे दिन आ रहे हैं जहाँ पर दुष्टों के जो रास्ते हैं वो नाश होने वाले हैं. Ways of the wicked will perish for you, my friend. दुष्टों के जो रास्ते हैं वो नाश होने वाले हैं. But then you play a very important role. लेकिन उसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. You cannot be quiet. आप चुप नहीं बैठ सकते. We cannot be quiet. हम चुप नहीं बैठ सकते. We all sang, I won't be quiet. आप समझ रहे हो हम चुप नहीं बैठ सकते. I won't be quiet. मैं चुप नहीं बैठूंगी. It's not just for the worship team. ये सिर्फ आराधना की टीम के लिए नहीं है. It's for you. ये आपके लिए भी है. It's for you. ये आपके लिए भी है. You have to have that bulldog mentality and say, I won't be quiet. आपके अंदर वो बुलडॉग मेंटालिटी होनी चाहिए कि आप चुप नहीं बैठोगे. I won't be quiet. मैं चुप नहीं बैठूंगी. I won't be quiet. मैं चुप नहीं बैठूंगी. I will not be quiet. मैं चुप नहीं बैठूंगी. I will not be silent. मैं चुप नहीं बैठूंगी. God wants us to speak. परमेश्वर चाहते कि हम गर्जना करें. God wants you to speak to that mountain. परमेश्वर चाहते कि हम उस पहाड़ से कहें. You need to speak to the mountain of government. हमें सरकार के जो पहाड़ है उसे कहना है. You need to speak to the government of churches in India. आपको कलीसिया की जो सरकार है उससे कहना है. You need to speak to the mountain of business here. आपको जो व्यापार का जो पहाड़ है उसे कहना है. You need to speak to the mountain of education. आपको जो शिक्षक का जो पहाड़ है उसे कहना है. You need to speak to the mountain of entertainment. आपको जो entertainment जो मनोरंजन का पहाड़ है उसे कहना है. You need to speak to the mountain of media. आपको मीडिया के पहाड़ से कहना है. You need to speak to the mountain of families. आपको परिवार के पहाड़ों से कहना है. Keep on speaking. आपको कहते ही रहना है. Keep on saying. आपको कहते ही रहना है. You need to be talking. आपको बात करते ही रहना है. As long as you will have breath in your lungs, you can talk. जब तक आपके फेफड़ों में सांस चल रही है तब तक आपको बात करना ही है. Another 50 years from now, you may not be able to talk. अगले 50 साल के बाद आप इसे हो सकता है कि आप बात नहीं कर पाओगे. Another 60 years from now, you probably may not be talking. और 60 साल के बाद आप बात नहीं कर पाओगे. This is the time. लेकिन ये वो समय है. God wants you to speak. परमेश्वर चाहते कि आप कुछ बोले. God wants you to speak to God. परमेश्वर चाहते कि आप उससे बात करें. Oh, talk to God about things. आपको परमेश्वर से बात करनी कुछ चीजों के विषय में. Talk to God about the things that you are seeing. परमेश्वर को उन चीजों के बारे में बात करें जो आप देख रहे हो. And say God's word to the things that are here. और परमेश्वर के वचन को लेकर उस सारी चीजों से आपको बोलना है. You need to be talking. आपको बोलते रहना है. Say it, I need to speak. कहिए मुझे बोलना है. जब एक बच्चे का जन्म होता है
At one point it begins to speak. एक समय आता है जब वो बोलना शुरू करता है. When the child is born, the heart is beating, but it doesn't talk. जब वो बच्चा पैदा होता है उसका हृदय तो धड़कता है लेकिन वो बात नहीं करता. The same way on the spiritual side, when you are born again, you are very quiet. उसी तरीके से आत्मिक जीवन में भी जब हम पैदा होते हैं हम बहुत शांत रहते हैं. You don't know how to pray. हमको पता नहीं कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए. You don't know where to read the word of God. हमें पता नहीं कि कहां से परमेश्वर की वचन को पढ़ना शुरू करें. But in that little baby's life, there comes a point when it starts talking. लेकिन उस छोटे बच्चे के जीवन में ऐसा एक समय आता है जहां पर वो बात करना शुरू करता है. And the first person the baby would talk would be to the parents. और सबसे पहले जो व्यक्ति जिससे वो बच्चा बात करता है वो है अपने माता पिता. In the same way, when you grow on the spiritual side, उसी तरीके से जब आप आत्मिक साइड में भाग में जब आप बढ़ते हो, you start talking to your creator. आप अपने जो रचा है जिसने आपको बनाया है उससे बात करना शुरू करना है. And after that, the baby grows a little bit. और उसके बाद बच्चा जब और थोड़ा बड़ा होता है, it learns the mother tongue. वो अपनी मातृभाषा है वो सीखता है. In the same way, when you grow on the spiritual side, उसी तरीके से जब आप आत्मिक में बढ़ते हो, you need to learn the language of God. आपको परमेश्वर की जो भाषा है उसे सीखनी है. And you need to get in the word of God and learn how to talk. और आपको परमेश्वर के वचन के अंदर घुसना है और सीखना है कि कैसे बात करनी है उससे. And when you become that believer in Christ, और फिर आप वो विश्वासी बन जाते हो ये प्रभु यीशु में, God gives you the ability to speak in tongues. परमेश्वर आप ऐसी क्षमता देता है ताकि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सके. Today I am going to talk about the benefits of tongues. आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आत्मिक भाषा में बात करने में क्या फायदा है. Why you need to speak in tongues? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, Why you need to speak in tongues? क्यों आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है? Today I'm going to talk to you about 5 different benefits of speaking in tongues. आज मुझे आपको 5 फायदे बताने हैं जो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद आपको मिलेंगे. There are many, many more benefits to that. ऐसे बहुत सारे फायदे हैं इसमें. Today we will just talk about 5 things. आज सिर्फ हम इस 5 विषय के बारे में बात करेंगे. First of all, when you speak in tongues, सबसे पहले जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, you are showing that brand of a believer. आप वो जो आप एक विश्वासी का जो ब्रांड है वो आप दिखा रहे हो. Turn with me to Mark chapter 16 and verse 17. मरकुस 16 अध्याय 17वां वचन. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues. और मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वो नई नई भाषा बोलेंगे. It's a branding of a believer. ये एक चिन्ह है जो विश्वासी है उसका. Here Jesus says, in my name they will cast out demons. यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. And they will speak in new tongues. और वो नई नई भाषा में बोलेंगे. So there should not be any fuss or reservation to speak in this new language that he gives. तो इसमें से कोई रोक टोक नहीं है कि जिसमें हमें ये नई भाषा को बोलना ही है. God gave this sign intentionally. परमेश्वर ने ये चिन्ह intentionally दिया. You will cast out demons. आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. You will speak in tongues. और आप नई भाषा बोलेंगे. Both go hand in hand. ये दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं. When you cast out demons. जब आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हो, It's a very biblical practice to speak in tongues. ये बहुत ही जो बाइबल की प्रैक्टिस है कि हमें नई भाषा भी बोलनी है. Always couple that together. ये दोनों साथ में हाथों में हाथ चलाकर चलते हैं. Today pastor asked me to teach you how to use this ability. आज पासबान ने मुझे कहा कि कैसे आपको सिखाए कि कैसे क्षमता का हम उपयोग करें. If you carefully look at that verse, अगर आप ध्यान से इस वचन को देखोगे, turn with me to Mark chapter 16 again. हम मरकुस उसके 16 अध्याय में मुड़ेंगे. And verse 7 और उसका 17 और उसका 17वां वचन देखेंगे. Here between the two sentences, there is a semicolon.
यहाँ पर दो वाक्यों के बीच में एक सेमीकोलन है. There is not, you don't see a period or a full stop there. आप वहाँ पर एक कोई full stop ऐसे रोक वाला चिन्ह नहीं देखते. Do you see a period or a semicolon? आप वहाँ पर एक semicolon देखते हैं. So what does that mean? तो उसका मतलब क्या है? They will cast out demons. वो दुष्टात्माओं को निकालते हैं. They speak in tongues. और वो नई भाषा में बोलते हैं. So from today when you bind the works of the enemy. तो आज जब अब दुष्टात्माओं के कामों को बांधते हो, you couple that with speaking in tongues. तो आपको उसको जोड़ लेना है नई अन्य भाषा में बात करने में. Let's say you are binding a spirit of infirmity. कहिए कि आप जो infirmity की जो आत्मा है उसे बांध रहे हो. Let's say somebody is sick and you go there to pray. सोचो कि कोई बीमार है और वहाँ पर आप प्रार्थना करने जा रहे हो. Spirit of the Lord is saying that that's a demonic activity, then there's a spirit of infirmity that is at work. परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहे कि वहाँ पर दुष्ट का काम चल रहा है और जो आत्मा है infirmity की वहाँ पर वो काम कर रहा है. Then you exercise this word. तो आपको इस वचन को कार्य में लाना है. According to this word, how will you pray? इस वचन के अनुसार आपको कैसे प्रार्थना करनी है? God, in the name of Jesus, I cast out that spirit of infirmity. कि परमेश्वर यीशु के नाम से मैं वो इनफर्मिटी की आत्मा को निकालता हूँ. And then speak in tongues. और फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करना है. Next time you go pray for somebody and if you know there's a demonic activity. फिर अगली बार जब आप किसी को प्रार्थना करने के लिए जाओगे आप देखोगे वहाँ पर दुष्ट का कोई कार्य है. This is how you pray. इसके समान आपको प्रार्थना करनी है. Because there are some things that God will reveal to you. क्योंकि ऐसी कुछ बातें हैं जो परमेश्वर आपको बताएगा. But there are some things that He will not reveal to you. लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो वो आपको नहीं बताएगा. That is when speaking in tongues will help you pray the right way. इसलिए जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी मदद करेगा सही तरीके से प्रार्थना करने में. So that's a branding of a believer. तो ऐसा एक चिन्ह होता है विश्वासियों में. But sadly, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है. Some people, कुछ लोग, some churches, कुछ कलीसिया forbid people from talking in tongues. वो रोकते हैं लोगों को अन्य भाषा में बातें करने से. Do you know who gets the joy out of it? आपको पता है इसका आनंद कौन उठाता है? The devil. शैतान. Because the devil knows the effect of speaking in tongues. क्योंकि शैतान को पता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने का सामर्थ क्या है. That is why you see in the churches all over the world, this is one topic that creates a lot of fuss even among the believers. इसलिए आप देखोगे कि ये दुनिया के बहुत अन्य कलीसियाओं में भी यही एकमात्र ऐसा विषय है जो बहुत ही गड़बड़ी से है वहाँ पर. I am a very strong advocate of speaking in tongues. मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने की वकालत करती हूँ. In fact, many times I find myself speaking in tongues. और असली बात तो यह है कि बहुत ऐसा समय आता है जब मैं अन्य भाषा में ही बातें करती रहती हूँ. Many times in the middle of so many things and I'm speaking in tongues. कई बार कुछ चीजों के बीच में भी मैं अन्य भाषा में बातें करती हूँ. Because our body can be engaged in an activity, but our spirit can be communicating with God. क्योंकि हमारा शरीर कुछ काम करता कर सकता है लेकिन हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर से बात कर सकती है उस समय. You may be driving, but still you can be speaking in tongues. आप अपनी गाड़ी चलाते रह सकते हो, लेकिन फिर भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो. You can be cooking and still be speaking in tongues. आप खाना पकाते भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो. You can be babysitting, but still be can speak in tongues. आप छोटे बच्चे का देखभाल करते समय भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो. Speaking in tongues is a branding of a believer. अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये विश्वासियों का चिन्ह है. You can identify yourself as a believer when you speak in tongues. आप अपने आप को विश्वासी कह सकते हो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो. Like how you can identify an item looking at that brand. आप कैसे एक आइटम को पहचान कर सकते हो जब आप उसके ब्रांड को देखते हो. For all of you young people. आप सारे जवान लोग. If you keep a bunch of shoes. अगर यहाँ पर बहुत सारे जूते रखे हो तो.
you can identify what is a Nike shoe. तो आप पहचान पाओगे कि Nike का जूता कौन सा है. In the same way, उसी तरीके से, among all the people, आप में से सारे लोगों के बीच, your speaking in tongues will identify you that you are a child of God. आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आपकी वो पहचान बनाता है कि आप परमेश्वर के बच्चे हो. आप सारे लोगों के बीच, speaking in tongues will put you one cut better than the rest of the people because the spirit of God is on the inside. अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपको अन्य लोगों से बेहतर बनाता है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है. Because greater is He that is in you. क्योंकि बड़ा वो है जो हमारे अंदर है. Greater is He that is in you. कि महान महान वो है जो हमारे अंदर है. When you speak in tongues, that just means that there is a greater one on the inside of you. जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, इसका ये मतलब है कि जो महान है वो आपके अंदर है. That's your branding, my friend. वो आपका चिन्ह है मेरे दोस्तों. So don't hesitate speaking in tongues. तो आप इसमें हिचकिचाए नहीं कि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना. People may stop you from doing that. कोई भी आपको रोक नहीं सकता इसे. Go somewhere else and speak in tongues anyway. आप कहीं और जगह पर जाओ और अन्य भाषा में फिर भी प्रार्थना करो. The second benefit. और दूसरा फायदा. Speaking in tongues will activate the Holy Spirit in you. अन्य भाषा जब आप बात करते हो तो वो एक्टिवेट करता है जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसे चालू करता है वो. When a man of God or a woman of God lays hands on you, the gifts are stirred up. जब परमेश्वर का कोई दास या दासी आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है तो जो तोहफे हैं प्रार्थना के वो उजागर हो जाते हैं. यू कैन एनलाइटन योर स्पिरिचुअल आईज बाय स्पीकिंग इन टंग्स. आपकी जो आत्मिक आंखों में रोशनी कब आती है वो और बेहतर कब देख सकते जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो. पॉल द ग्रेट अपोस्टल सेड. पौलुस एक महान प्रेरित ने ऐसे कहा. इन फर्स्ट Corinthians 14th chapter and verse 5. एक कुरिन्थियों 14वां अध्याय और 5वां वचन. I wish you all spoke in tongues. कि मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप सारे अन्य भाषा में प्रार्थना करें. I wish you all spoke in tongues. मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप सारे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें. You know, in the churches of the world. देखो जो कलेसिया है जो दुनिया में है. If Paul was living, he would say the same thing now. अगर पौलुस आज जीवित होते तो वो आज भी यही कहते. I wish you all spoke in tongues. कि मैं से आशा करता हूँ कि आप सारे अन्य भाषा में प्रार्थना करें. He's the one who wrote most of the New Testament. वो ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा नया नियम लिखा है. The one who wrote the Word of God so much says that, hey, you, I wish you spoke more. जिसने परमेश्वर का वचन सबसे अधिक लिखा है उसने कहा है कि मैं इसे आशा करता हूँ कि आप अन्य भाषा में ज्यादा बात करें. And in the same chapter and verse number 18 he says. और उसी अध्याय में 18वें वचन ने उन्होंने कहा. First Corinthians 14 and verse 18. पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय और 18वां वचन. He says. उन्होंने कहा. I thank my God I speak with tongues more than you all. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं आप सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना He करता spoke हूं. in tongues more than anybody in all of Corinth. वो अन्य भाषा में कुरिन्थ की जो कलेसिया है उस जगह में सबसे ज्यादा अन्य भाषा में पौलुस ने प्रार्थना की. The first church in Jerusalem did not have the Bible that you and I have. Jerusalem की जो पहले कलीसिया थी उसके पास वो बाइबल नहीं है जो आपके और मेरे पास आज है. We all have the scriptures. हमारे सबके पास ये वचन है. We can go into the Word of God and see for ourselves what the Word of God talks about. हम परमेश्वर के वचन में जाकर देख सकते हैं कि क्या. But the early church spoke in tongues to the point that they got a revelation from the Holy Spirit himself. कि उन्होंने इतना अन्य भाषा में प्रार्थना किया, इतना अन्य भाषा में प्रार्थना किया कि पवित्र आत्मा का प्रकाशन उनको स्वयं मिल गया वहाँ पर. If you want to get the revelation knowledge, अगर आपको प्रकाशन का ज्ञान चाहिए, you need to speak in tongues. तो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है. You can learn all you want from the scriptures. आप वचन से आप सीख सकते हो. But if you want the enlightenment, लेकिन अगर आपको इसमें और रोशनी चाहिए, if you want to act Activate the Holy Spirit. अगर आपको पवित्र आत्मा को वहां पर एक्टिवेट करना है तो यू नीड टू स्पीक इन टंग्स. तो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है.
There may be times in your life you may not have an access to a TV program or a preacher or somebody. ऐसा समय आपके जीवन में हो सकता है कि आपके सामने कोई प्रचारक नहीं है या कोई टीवी प्रोग्राम नहीं है आपके पास. But when you start speaking in tongues, लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हो, the rivers of living waters will start flowing. तो जो जीवित जल है वो आपके अंदर से नदी वो बहना शुरू होता है. Jesus said in John chapter 7 that out of your belly, यीशु मसीह ने कहा 17वें अध्याय यूहन्ना की, shall flow rivers of living water. कि आपके पेट से, आपके बेली से जीवित जल बहेगा नदी उसकी. And when you speak in tongues, you are letting that river flow. और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप उस नदी को बहने देते हो. As you speak in tongues, you will be activating the Holy Spirit Himself. और जब अब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, तो आप अपने अंदर जो पवित्र आत्मा उसको सक्रिय करते हो. The third benefit of speaking in tongues. और तीसरा फायदा अन्य भाषा में प्रार्थना करने का. You will be able to build your faith. आप अपने विश्वास को बांधना शुरू करते हो. How do you get faith? Faith comes by hearing. आपको विश्वास कैसे मिलता है? विश्वास सुनने से आता है. And hearing by the word of God. और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है. That's how faith comes. वैसे ही विश्वास आता है. A wise woman will build, says the word of God. एक ज्ञानी स्त्री बांधेगी, ऐसे वचन कहता है. A wise believer will build that faith. एक ज्ञानी विश्वासी अपने विश्वास को बांधेगा. How do you build your most holy faith that's in you? आप अपने सबसे पवित्र विश्वास को कैसे बांध सकते हो? By speaking in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करने से. Turn with me to Jude verse 20 and 21. हम याकूब उसका पहला अध्याय और 21वां वचन देखेंगे. But you beloved, मेरे प्रियजनों, build yourselves up on your most holy faith. अपने आप को सबसे पवित्र विश्वास में बांधो. Praying in the Holy Spirit. अन्य भाषा में प्रार्थना करके. Praying in the Holy Spirit. अन्य भाषा में प्रार्थना करके. What does that mean? उसका मतलब क्या है? What is praying in the Holy Spirit? अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? Praying in the Holy Spirit is praying with tongues. अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का यह मतलब है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना. Praying with understanding is from what you have understood from the word of God. समझ के साथ प्रार्थना करने का यह मतलब है कि जो आपने परमेश्वर के वचन से समझा है उसके साथ प्रार्थना करना. But here we read the scripture that you build yourselves up on your most holy faith. लेकिन यहाँ पर praying in the Holy Spirit. लेकिन यहाँ पर हम वचन से पढ़ते हैं कि आप अपने पवित्र विश्वास को बांध सकते हैं जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो. And Paul writes to the Romans in chapter 8. और पौलुस रोमियो की रोमन्स के लोगों को कहता है 8वें अध्याय में. He says that the Spirit of God. वो कहता है कि परमेश्वर की जो आत्मा है. Will help you in your weakness. वो आपकी कमजोरी में आपकी मदद करेगा. He will help you in your weakness. वो आपकी कमजोरी में आपकी मदद करेगा. How many feel that you need more strength? आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि आपको और ज्यादा ताकत की जरूरत है? It is the Holy Spirit will strengthen your inner man. ये वो पवित्र आत्मा है जो आपके अंदरूनी मनुष्य को ताकतवर करेगा. Turn with me to Romans chapter 8 and verse 26. मेरे साथ मुड़िए रोमन 8वां अध्याय और 26वें वचन पर. Romans 8 and 26 says, likewise the Spirit also helps in our weakness, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. रोमियो उसका 8वां अध्याय 26वां वचन ऐसे कहता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए. Here we read very clearly that we do not know. हम यहाँ पर साफ साफ पढ़ते हैं कि हमें नहीं पता कि क्या, हमें नहीं पता. We do not know. हमें नहीं पता. The problem with us is that we think we know. समस्या हमारे साथ यही है कि हमें ऐसे लगता है कि हम जानते हैं. We think that we know. हम ऐसे सोचते हैं कि हम जानते हैं. But when it comes to prayer,
The great apostle Paul says, "Hey, you do not know what you should pray." लेकिन जब प्रार्थना के विषय में आता है तो जो महान प्रेरित है वो कहता है कि आपको नहीं पता कि आपको क्या प्रार्थना करनी है. Many times we don't know how to pray. बहुत समय हमें नहीं पता कि हमें क्या प्रार्थना करनी है. You may be a person of prayer. आप एक प्रार्थना के व्यक्ति हो सकते हो. That doesn't mean that you know how to pray. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्रार्थना करना आता है. That is when the Holy Spirit will help you. यही जगह पर पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा. Like how your 5-year-old will start writing those letters. जैसे आपका जो 5 साल का जो बच्चा है वो उस पत्र को लिखना शुरू करता है. He thinks he can write. उसको ऐसे लगता है कि वो लिख सकता है. He thinks he can write. उसको ऐसे लगता है कि वो लिख सकता है. And he writes also. और वो लिखता भी है. Much scribbling there. लेकिन वो वहाँ पर ऐसे scribble करता है, टेढ़ा-मेढ़ा लिखता है. Legible. It won't be clear. वो साफ नहीं दिखता. That is how we are praying. उसी तरीके से हम प्रार्थना कर रहे हैं. Some people pray, God, give me a big blessing for my small prayer. कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे बड़ी सी आशीष दे मेरी छोटी सी प्रार्थना पर. I don't think that scripturally correct. मुझे ऐसे नहीं लगता कि वचन के अनुसार वो सही है. They pray like that for the short prayer, God, give me a big blessing. वो ऐसे छोटी सी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मुझे बड़ी सी आशीष दे. God will correct those prayers. परमेश्वर उस प्रार्थना को सही करेंगे. Let's say you prayed that prayer. सोचो कि आपने वो प्रार्थना कर ली. The Holy Spirit will correct that. पवित्र आत्मा उसे सही करेगा. When you speak in tongues, it will be corrected. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा उसे सही करेगा. When you put that A like a U, जब आप उस A को U जैसे लिखोगे, the mother will hold that hand. जो माता है वो हाथ को पकड़ेगी. And make that A look like A. और उस A को A के समान बनाएगी. Hallelujah. That is what the Holy Spirit does for you, my friend. वही पवित्र आत्मा आपके लिए करता है मेरे दोस्तों. You are talking to God in a way that's not a correct prayer. आप परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना कर रहे हो, ऐसे तरीके से बात कर रहे हो जो सही प्रार्थना नहीं है. Holy Spirit will take that and will change to the right way of praying by the speaking of tongues. पवित्र आत्मा उसको लेकर सही तरीके की प्रार्थना बनाएगा जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे. So it goes to the Father in the right way. तो वो पिता के पास सही तरीके से सही रीति से जाता है. Because the Father will only answer the prayers that are according to the will of the Father. क्योंकि पिता वही प्रार्थनाओं का उत्तर देता है जो उसकी इच्छा के अनुसार हो. The Holy Spirit will do some course correction there. तो पवित्र आत्मा वहां पर कुछ तो सही करेगा. How many think you need some help in your prayer life? आप ऐसे कितने लोगों को लगता है कि आपको मदद चाहिए आपके प्रार्थना के जीवन? I can lift both my hands. मैं अपने दोनों हाथों को उठा सकती हूँ. That is why we need to speak with understanding and we need to speak in the spirit. इसलिए हमें समझ से प्रार्थना करनी है और हमें आत्मा में प्रार्थना करनी. It has to go both ways. ये दोनों तरीके से होना चाहिए. You pray with understanding all that you know. आप समझ से प्रार्थना करना है आपको जो भी आप जानते हो. And then you speak in tongues. और फिर आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है. As much as you have the urge, you continue to speak. आपको जितना मन हो, जितना इच्छा हो, उतने आप प्रार्थना कीजिए. After a little while, you just feel like stopping that. थोड़ी देर के बाद आपको ऐसे लगता है कि आपको रुक जाना चाहिए. And then you speak with understanding. And then you speak in tongues. फिर आपको समझ से प्रार्थना करनी चाहिए, फिर आपको अन्य भाषा में फिर से प्रार्थना करनी. That is how you pray in the spirit and pray with understanding. इसी तरीके से आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, फिर समझ से प्रार्थना करते हो. The fourth blessing. चौथा आशीष. Your spiritual sensitivity increases. जो आत्मिक में जो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ती जाती है. The sensitivity your spirit has increases when you speak in tongues. जो आत्मा में आप महसूस करते हो वो बढ़ जाता है. This is something that the Spirit of the Lord taught me. I didn't learn from a book. ये ऐसी कुछ बातें जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा. More and more you are speaking in tongues. जितना ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, even you walk into a room and the presence of something will be revealed to you. आप किसी कमरे में प्रवेश करोगे तो किसी चीज़ का कुछ भी प्रेजेंस होगा तो आप उसे महसूस कर लोगे.
You get more sensitive to the spiritual world. आपकी जो महसूस करने की जो क्रिया है वो आत्मिक दुनिया में बढ़ जाती है. You will have the discerning come to you just like that. आप में वो परखने की जो आत्मा है वो आ जाती है ऐसे. At one time there was this precious lady that came to one of my meetings. एक ऐसा समय था कि मेरे सभा में एक बहुत ही खास एक खास एक स्त्री आई. And she told me that she is struggling with something. और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ चीजों में तकलीफ उठा रही हूं. She was only describing the natural symptoms. वो सिर्फ प्राकृतिक जितने भी चिन्ह थे वही बता रही थी. But when I went and laid hands on her. लेकिन जब मैंने जाकर उस पर हाथ रखा. I knew that was not anything physical. मुझे समझ में आ गया कि वो कुछ भी प्राकृतिक नहीं था. That was a demon that was inside her. वो कुछ भी शारीरिक नहीं था, वहां पर एक दुष्ट आत्मा थी जो उसके अंदर थी. And then I started ministering deliverance to her. और फिर उसके बाद मैं उसे छुटकारे के लिए प्रार्थना करने लगी. I didn't treat any those symptoms. मैंने जो भी उसमें जो चिन्ह थे शारीरिक उस पे मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया. She was doing like anyone else. She was just doing everything that anyone else will do. वो ऐसे सब काम कर रही थी जो बाकी लोग कर रहे थे. When it was time to worship, she was worshiping. जब आराधना का समय था जब वो आराधना कर रही थी. When a word of God was said, she will say amen. जब वचन बांटा जा रहा था तब वो आमेन कह रही थी. On the outside, she looked perfect. लेकिन बाहर से वो एकदम परफेक्ट दिख रही थी. But there was a demon that was working in her. लेकिन उसके अंदर एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो उसके अंदर काम कर रहा था. The spiritual sensitivity increases in your life when you speak in tongues. जो आत्मिक परखने की महसूस करने की जो ताकत है वो आपके अंदर बढ़ जाती है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो. You will know those things in the spirit. आप इन चीजों को आत्मिक में ही पहचान पाओगे. When you pray for somebody, you will have more revelation when you speak in tongues. जब आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो आपको ज्यादा प्रकाशन मिलेगा जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो. Because the Bible says whatever you sow is what you will reap. क्योंकि बाइबल ऐसे कहता है कि जो भी आप बोओगे वही आप काटोगे. When you talk mysteries to God, guess what? He reveals mysteries to you. जब आप रहस्य की बातें परमेश्वर से बात करोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, वो भी रहस्य की बातें आपको बताएगा. The one who speaks in tongues talks mysteries to God. जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो रहस्य की बातें परमेश्वर से करता है. Turn with me to 1 Corinthians 14 and verse 2. 1 Corinthians uska 14th adhyay dusra vachan. Here you read that the one who speaks in tongues talks mysteries to God. Yahan par aap aise pad sakte ho ki jo anya bhasha mein prarthna karta hai वो रहस्य की बातें परमेश्वर से करता है. Some people have argued with me, hey, when you are speaking in tongues, you should say the meaning for that. कुछ लोग मुझसे बहस करते हैं कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आपको उसका मतलब बताना चाहिए. This is something that the people that don't talk in tongues will use it as a trump card to put on you. ऐसे कुछ लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते वो लोग आकर आपसे ऐसे बहस करते हैं. If there is anybody that's listening who's like that, I have news for you. अगर आप उस समूह के हो तो मुझे आपके लिए शुभ संदेश है. You need to have an interpretation when it is something for somebody else. आपको अनुवाद तब करना है जब वो किसी और के लिए हो. If God is giving you a word for somebody in tongues, अगर परमेश्वर आपको कोई वचन दे रहा है अन्य भाषा में किसी और के लिए, then you need to interpret so that person can understand. तब आपको उसका अनुवाद करना है ताकि जो दूसरा व्यक्ति वो उसे समझ पाए. Only in that context you need the gift of interpretation of tongues. To speak it out. उसी जगह पर आपको ये जो अन्य भाषा का अनुवाद करने का जो तोहफा है तब आपके पास होना चाहिए. But if it is not in that specific context of speaking it to another person, लेकिन अगर उस रीति में नहीं है जब आप किसी और व्यक्ति से बात कर रहे हो, there's absolutely no need for you to interpret for whatever you have spoken.
तब वहां पर जब जो भी आपने अन्य भाषा में कहा है उसका अनुवाद करने की कोई जरूरत नहीं है. Because the Bible says it's mystery. क्योंकि वचन ऐसे कहता है कि वो रहस्य की बातें, भेद की बातें. Mystery is something that you cannot understand. क्योंकि भेद की बातें कुछ ऐसी है जो अब हम समझ नहीं पाते. When the Bible says you are talking mysteries to God, that means you don't know what you are talking. क्योंकि बाइबल जब कहता है कि जब आप रहस्य की बातें परमेश्वर से कर रहे हो तो आपको पता नहीं आप क्या बात God, कर रहे हो. In fact, cuts that understanding out of it when you are talking in tongues. परमेश्वर से आपकी वो समझ को हटा देता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो. Speaking in tongues is so different from the natural tongue. क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ही अलग है जो आप प्राकृतिक जो भाषा बात करते हो. The difference is in the natural tongue you have that understanding. उसमें अलग बात ये है कि जब आप शारीरिक भाषा में बात करते हो तो आपको समझ में आता है. In the natural tongue it comes from the mind into your mouth. जो प्राकृतिक जो भाषा है वो आपके मन से आपके मुख पर आता है. But speaking in tongues is a whole different thing. लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये एक ही अलग बात है. The direction doesn't come from the mind to the mouth. इसका जो निर्देशक है, जो वो डायरेक्शन है, वो मन से मुख पर नहीं आता. Oh, it comes from the innermost being outside your mouth. वो आपके अंदरूनी आत्मा से आता है. It bypasses your mind, if you will. वो आपके मन को से कूद कर आ जाता है. The speaking of tongues originates from your spirit. ये अन्य भाषा में जो बात करना है वो आपकी आत्मा से उसकी शुरुआत होती है. Are you listening to me? क्या आप मेरी बातें सुन रहे हो? It starts from the spirit. वो आपकी आत्मा से शुरू होता है. And you are giving voice. और आप उसे आवाज दे रहे हो. God will give you that utterance. परमेश्वर आपको वो शब्द देंगे. In fact, Paul says, pray that I may get utterance. पौलुस ऐसे कहते हैं कि ऐसे प्रार्थना कीजिए कि आपको शब्द मिलेंगे. Paul wants that boldness. पौलुस ऐसे वो साहस को चाहते हैं. Paul prays that, pray that I will get that utterance. पौलुस ऐसे प्रार्थना करते कि मुझे ऐसे वो शब्द मिले. In Acts chapter 2, they got that utterance. प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में उन्हें वो शब्द मिले. When they started speaking. जब वो बात करना उन्होंने शुरू किया. Holy Spirit gave them utterance. पवित्र आत्मा ने उन्होंने भाषा दी. Say utterance. Spirit gives that utterance. पवित्र आत्मा हमें वो शब्द when वो भाषा देती. To speak, जब फिर आप उसे बात करना Holy शुरू Spirit करते gives हो. Utterance. पवित्र आत्मा आपको Say शब्द देता begin है. To speak, फिर आप कहना शुरू करते हो. Holy Spirit gives me utterance. पवित्र आत्मा आपको शब्द देता है. Say it louder when I speak. ये जब मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा शब्द देते हैं. When I speak, जब मैं बातें करता हूँ होली स्पिरिट गिव्स अटेरेंस पवित्र आत्मा शब्द देते हैं. ओ दैट इज हाउ यू स्पीक इन टंग्स. वैसे आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो. योर स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी विल इंक्रीज. आपकी जो आत्मिक महसूस करने की जो शक्ति है. हाउ मेनी वांट दैट स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी टू इंक्रीज इन दिस हाउस. आप में से कितने लोग चाहते कि इफ यू वांट दैट देन यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स. अगर आपको ये चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना ज्यादा करना है. The fifth point. पांचवी. Are you ready? पांचवी बात. क्या आप तैयार हो? How many are ready? क्या आप तैयार हो? Fifth one is very important. पांचवा ये बहुत ही important है, महत्वपूर्ण है. Speaking in tongues. अन्य भाषा में बात करना. Is a spiritual weapon. ये एक आत्मिक शस्त्र है. In Ephesians, Paul was describing about the spiritual warfare in Ephesians chapter 6. Ephesians ki patri 6th adhyay mein wo aatmik yuddh ke bare mein Paulus bata rahe the. He says that the weapons of our warfare are not carnal, they are mighty in the Holy Ghost. Wo keh rahe hai ki jo hamari shastra hai wo sadharan nahi hai lekin wo bahut hi taakatwar hai pavitra aatma mein. Paul is bringing the Holy Spirit into the picture. Paulus pavitra atma ko sthiti mein la rahe hai. Yes, there is a place for the helmet of salvation. Wahan par ek udhar ka jo helmet hai uski zarurat. There's a place for the breastplate of righteousness. Jo dharmikta ki jo belt hai kamar band. There is a place for the belt of truth. Jo kamar band hai satya ka uski jagah hai wahan par. There's a place for the shoes. Jooton ki jagah hai. There's a place for the sword of the spirit. वहां पर आत्मा की तलवार की एक जगह है. विच इज एन ऑफेंसिव वेपन. जो एक ऐसे हमला करने वाले एक शस्त्र है. इन द वेपन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेपन्स. जो शस्त्र है वो दो तरीके के होते हैं. वन इज अ डिफेंसिव वेपन. वो एक है जिसे हम बचाव कर सकते हैं. मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज ओनली प्लेइंग डिफेंस. कई बार जो यीशु के जो शरीर है वो सिर्फ जो बचा रहे हैं. प्लेइंग द डिफेंस विल नॉट विन द गेम. अपने आप को सिर्फ बचाने से हम जो गेम है वो जीतेंगे नहीं. व्हेन यू लुक एट एनी गेम
that is played. जब आप किसी भी खेल को देखोगे, जब वो खेला जाता है, there are some athletes that have to play offense. कुछ तो खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको हमला कर aggressive खेलना होता है. There are some players that will play defense. कुछ लोग हैं जो ऐसे बचाव में खेलते रहते हैं. You need to be a strong offense and a strong defense to win. आपका एक बहुत ही strong मजबूत हमला होना चाहिए और मजबूत बचाने का ताकत. If you want to be a champion, you have to have your team that is strong in the offense and defense. अगर आपको champion बनना है तो आपकी team ऐसी होनी चाहिए जो हमला करने भी मजबूत हो और बचाव करने में भी मजबूत हो. योर टीम हैज टू हैव बोथ वेरी स्ट्रांग इन ऑर्डर टू कॉन्कर दैट गेम. गॉड वांट्स टू ट्रेन योर फिंगर्स फॉर वॉर. उसी तरीके से परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं. गॉड वांट्स टू ट्रेन योर हैंड फॉर दैट बैटल. इसलिए परमेश्वर आपको लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए आपके हाथों को तैयार करना चाहते हैं. Psalm 144 and 1 talks about that. वचन संहिता 144 में पहला वचन इसे बात करता है. You are not in the kingdom of God just to play defense. आप परमेश्वर के राज्य में सिर्फ इसलिए नहीं हो कि आपको बचाव करना है. Some people are very good in covering themselves with the blood of Jesus. बहुत सारे लोग बहुत ही भले होते हैं कि वो अपने आप को. They are very good in putting the shield of faith. बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को यीशु के लहू से ढकते हैं. Very good in just having everything covered up so that the enemy will not be able to touch them. बहुत लोग अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से ढकते हैं ताकि जो दुश्मन है वो उनको छू ना पाएगा. But we are living in a time. लेकिन हम कैसे समय में जी रहे हैं. When the Lord said that this is a evil and a perverse generation. जब परमेश्वर ने कहा कि ये बहुत ही दुष्ट की पीढ़ी है. You know, we are living in a time when they have removed the word of God from the public schools. देखो हम ऐसे समय में जी रहे जहाँ पे वो लोग ने स्कूल से परमेश्वर का वचन को हटा दिया है. You need to learn how to fight through the war times. हमें सीखना है कि हम इस युद्ध को कैसे पढ़े इस समय के समय में. The enemy has determined. जो दुश्मन है उसने सोच लिया है. But the ecclesia, the body of Christ, the called out ones are not ready yet. लेकिन जो कलेसिया है जिसको बुलाया गया है वो तैयार नहीं है अभी तक. That is why pastors are talking about tongues today. इसलिए पासबान अन्य भाषा के बारे में बात कर रहे हैं. Pastors are talking about how to be a soldier in God's kingdom. इसलिए पासबान बात कर रहे हैं कि कैसे एक सोल्जर बना, सेनापति बन सकते हैं. God is training you how to fight. परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं. You need to learn how to fight for your family. आपको सीखना है कैसे आपको लड़ना है. If you don't learn how to fight, अगर आप सीखोगे नहीं कि आपको कैसे लड़ना है. I'm sorry to say that some of you will regret. तो मैं सॉरी बोलती हूँ कि आप इसको पछताओगे. This is the time you need to learn how to fight. ये वो समय है जहाँ आपको लड़ना सीखना है. You need to learn how to fight as a prayer warrior. आपको सीखना है कि आपको प्रार्थना का योद्धा बन के कैसे लड़ना है. Just playing the defense is not going to work. सिर्फ बचाव से खेल कर आपको ये काम नहीं करेगा आपके लिए. God wants you fight in the offense. परमेश्वर आपको हमला करके युद्ध करने सिखा रहा है. God will train you to a place that when you walk into that room, the enemy will flee. परमेश्वर आपको ऐसे तैयार कर रहा है कि जब आप उस कमरे में प्रवेश करोगे दुश्मन भाग जाएगा. God is going to take you to a place where you will take that authority in the name of Jesus and you will cast out demons in the name of Jesus. परमेश्वर आपको ऐसे जगह पर लेके जा रहा है जहां पर आप दुष्ट यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे. God will take you to a greater level of anointing. परमेश्वर आपको बड़े से अभिषेक करने वाला है. The Bible says it's the anointing that will break the yoke. पर बाइबल ऐसे कहता है कि वो अभिषेक जो जोड़े को तोड़ता है. Yes, on one side you need to be the king taking the authority. हाँ, एक भाग में आप एक राजा हो जो अधिकार रखता है. But on the other side you need to do the decrees in the name of Jesus. और दूसरे भाग में आपको यीशु मसीह के नाम से घोषणा करनी है. You need to speak in tongues more than ever. आपको अन्य भाषा में पहले से बहुत अधिक बातें करनी है. Praying in the Holy Spirit is an offensive weapon. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना ये हमले करने जैसा एक शस्त्र है. Not only the sword of the Spirit is an offensive weapon. सिर्फ ये जो तलवार है आत्मा की वो हमले करने वाला शस्त्र नहीं है. Praying in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना. Speaking in the Holy Spirit. अन्य भाषा में बातें करना. Speaking in tongues is an offensive weapon. अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये हमला करने वाले जैसा एक शस्त्र है. Paul the father writes to his spiritual son. पौलुस जो पिता है अपने पुत्र से कहता है. Listen to me carefully. मुझे ध्यान से सुनिए. 2 Timothy 3 and verse 1. दो तीमोथी तीसरा अध्याय पहला वचन. In the last days perilous times will come.
आखिर के दिनों में ऐसे कठिन समय आने वाला है. In the last days, perilous times will come. अंतिम दिनों में कठिन समय आने वाला है. Many people think, oh, that's fine. That's only for the world. बहुत सारे लोग सोच रहे कि अरे वो ठीक है, वो सिर्फ दुनिया के लिए है. No. To be are living in a time like that. नहीं, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं. Paul clearly writes in the last days. Paulus कह रहा है कि अंतिम दिनों में. How many think we are living in the last days? कितने लोग सोचते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं? In the last days, perilous times will come. अंतिम दिनों में कठिन समय आने वाला है. But the way we are sitting and yawning in the church. लेकिन जिस तरीके से हम बैठे हैं और ऐसे yawn कर रहे हैं कलीसिया में. Doesn't look like that. वो वैसे दिख नहीं रहा है. You better wake up. आप उठ जाइए. This is not the time to yawn. ये वो समय नहीं है हमें यौन करना है. On the spiritual side, this is not the time to relax. आत्मिक साइड में ऐसे नहीं कि हमें विश्राम कर बैठे रहना है. Those seasons of peaceful times are gone. वो जो मौसम थे शांति के वो चले गए हैं. When I was 5 years old, the people that were ruling this nation were people who brought peace. जब मैं 5 साल की थी, जब ही वो लोग इस सरकार में थे जिन्होंने शांति लाया इस देश में. There were war in the neighboring countries, they brought peace. तो जब जो आस पड़ोस के देश लड़ रहे थे उन्होंने शांति लाई. Now you read in the news the brutality. आप समाचार में पढ़ते हो कि कितने कठोर barbaric activity. वो कितने कठोर से काम कर रहे हैं. Going on in your nation. वो आपके देश में हो रहा है. What are we doing? हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के जन. We need to be filled with that spiritual anger. हमें आत्मिक क्रोध से भर जाना है. To command the work of the devil in the mighty name of Jesus. और शैतान के दुष्ट के कामों को आज्ञा देनी है यीशु मसीह के नाम से. Lock up our shields and pray in the Holy Ghost. हमें अपनी ढाल को उठा लेना और आत्मा में प्रार्थना करनी है. This is the time to lock up our shields. ये वो समय है हमें अपनी ढाल को उठा लेना है. And gain ground together. और जगह पर कब्जा करना है साथ One में will मिलकर. Chase a thousand. और हम 1,000 को हटाएंगे. Two will chase a 10,000. और 2 जन 10,000 को हटाएंगे. The church will chase the work of the devil out of this nation. और जो कलीसिया है वो शैतान के दुष्ट काम को देश से बाहर निकाल कर फेंकेगा. God will make you more than a conqueror. परमेश्वर आपको विजेता से भी बढ़कर बनाएगा. You are called for victory. क्योंकि आपको जीत के लिए बुलाया गया है. You cannot keep quiet. आप चुप नहीं बैठ सकते. You cannot keep quiet. आप चुप नहीं बैठ सकते. You cannot be silent at this hour. आप शांत और चुप नहीं बैठ सकते. You have to do something. आपको कुछ तो करना ही होगा. Satan is constantly speaking lies. शैतान हर हमेशा झूठ बोल रहा है. Like a messed up record in the old times, it just keeps on going. एक दुष्ट जैसे वो हमेशा ही झूठ बोलता जा रहा है. This is the time we need to speak the truth. ये वो ऐसा समय है जहाँ पर हम सत्य हमें बोलना है. Truth always triumphs. सत्य हमेशा जीतता है. You have the spirit of truth in you. आपके अंदर सत्य की आत्मा है. When you open your mouth and begin to speak. जब अपने मुंह को खोलकर बोलना शुरू करते हो. The darkness will flee. जो अंधकार है वो भाग जाएगा. The light will shine in your ways. जो ज्योति है वो आपके रास्ते में चमकेगी. When you declare a thing, जब आप घोषणा करोगे, it will be established for you. स्थापित होगा आपके लिए. And the light will shine on your way. और जो ज्योति है वो आपके रास्ते पर There is darkness out there. वहाँ पर अंधेरा है. There is gross darkness. वहाँ पर घोर अंधेरा है. The world had darkness before. दुनिया में पहले अंधेरा था. Now we see gross darkness, people of God. अब हम घोर अंधकार देख रहे हैं परमेश्वर के जन. Let's say darkness means they are worshipping false gods. This darkness. कहे ये जो अंधकार है वो जो भगवान की जो पूजा कर रहे हैं. If we can say that worshipping false gods is darkness. अगर हम कहेंगे जो नकली भगवान है उसकी आराधना कर रहे हैं वो अंधकार है तो. Killing somebody that worships the true God is gross darkness, people of God. किसी को मार देना जो सत्य परमेश्वर की आराधना करता है वो घोर अंधकार है. You are seeing that gross darkness in your city. आप देख रहे हो आप अपने शहर में घोर अंधकार देख रहे हो. You need to rise up for God. आपको उठ खड़े होना है परमेश्वर के लिए. You need to enroll yourself in God's army. आपको अपने आप को परमेश्वर की सेना में भाग ले लेना है. Today you need to enlist yourself in that army. आपको अपना नाम दे देना है परमेश्वर की सेना में. Some of you are just praying for you and your family and that is it. आप में से कुछ लोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बस. That is not going to be enough, my friend. वो सिर्फ काफी नहीं होगा.
मेरे दोस्त, इन द पीस ऑफ योर सिटी विल बी योर पीस. शहर के शांति में आपका Lift शांति up your है. eyes and see what's going on in your city. अपनी आंखें उठाकर देखिए कि आपके शहर में क्या हो रहा है. Gross darkness. घोर अंधेरा. This is not the time for you to be silent. ये वो समय नहीं जहां आप चुप बैठ रहे हो. You need to rise up. आपको उठना है. You need to voice. आपको उसे आवाज देनी है. You need to speak. आपको बोलना है. You need to use the privileges God has given you as a believer. आपको सारे सौभाग्य का इस्तेमाल करना जो परमेश्वर ने आपको एक विश्वासी होने पे दिया है. This is not the time to argue about whether or not we need to speak in tongues. ये वो समय नहीं जहाँ पर हमें बहस करना है कि हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है या नहीं. If you want to stay defeated, you can just stay defeated. अगर आपको हारे हुए ही रहना है तो आप हारे हुए रह सकते हो. If you have decided that way, I cannot help you. अगर आपने ऐसे निर्णय ले लिया है तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. But if you want to be more than a conqueror, लेकिन अगर आपको विजेता से बढ़कर बनना है, if you want to be victorious, अगर आपको जीतना है, if you want to reap the benefits of speaking in tongues, अगर आपको अन्य भाषा में बात करने के फायदे उठाने हैं, you need to make a decision today. तो आपको एक निर्णय आज ही लेना है. You cannot be silent. आप चुप नहीं बैठ सकते. You cannot be silent आप right चुप now. नहीं बैठ सकते इस समय. This is not the time to be quiet. ये वो समय नहीं जहाँ पर हमें चुप बैठना है. God wants you to rise up. परमेश्वर चाहते कि आप उठ खड़े हो जाएं. Like Deborah. Deborah के समान. Deborah was a mother in Israel. Deborah जो इज़राइल की माँ थी. You can be a mom in your house. आप एक माँ हो सकते हो अपने घर पर. Some are very satisfied with that. सब लोग बहुत ही संतुष्ट रहोगे उससे. But God is calling for the wartime moms. लेकिन परमेश्वर युद्ध के समय की जो माताएं उन्हें बुला रहा है. God is calling that militant dads. परमेश्वर उन सेनापति जो पिता है उनको बुला रहा है. God is calling for the Moseses. परमेश्वर जो मूसा है उनको बुला रहा है. God will raise you up as mighty leader in a time like this. परमेश्वर आपको एक अगुवे के समान उठाएगा ऐसे समय में. Moses was not able to speak. मूसा उसे बात करना नहीं आ रहा था. He was a stutterer. वो ऐसे हकला रहा था. But God was with him. लेकिन परमेश्वर उसके साथ था. God made him a mighty leader. परमेश्वर ने उसे बहुत ही महान एक अगुवा बनाया. Many times when you speak in tongues, it will be like stuttering. बहुत समय जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो वो हकलाने के समान होगा. But continue to speak. लेकिन आपको फिर भी इसमें बोलते रहना है. Keep on keeping on. उसे बोलते रहना है और बोलते रहना है. Times will come. ऐसे समय आएगा. You will emerge victorious. कि आप जीत के समान उठ खड़े हो जाओगे. God will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा. In a mighty way. एक बहुत ही महान तरीके से. That you will see the ways of the wicked perishing right in front of कि you. कि आप दुष्ट के रास्तों को नाश होते हुए आपके आंखों के सामने देखोगे. Greater is he that is in you. बड़ा वो है जो हमारे अंदर है. When you speak in tongues, जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो, you are partnering with the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा के साथ साझेदारी कर रहे हो. Victory will be yours. तो जीत आपकी होगी. So speak in tongues more than ever. तो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है पहले से बहुत अधिक. I encourage you to speak in tongues more than ever. मैं आपका प्रोत्साहन करना चाहूंगा कि आप ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए.